सारे मोमडन ऐसे हैं, नहीं, उसमें बहुत से मोमडन अच्छे भी हैं। पलकों में बिठा लो, दूध घी में नवा लो, लेकिन ये भाई अपना रंग एक दिन दिखाई देगी। गले में रुद्राक्ष माला पहन ली और कलावा पहन के छलावा करते ये हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ। कांग्रेस की प्रियंका गांधी अभी थोड़े दिन पहले बोलती थी ऐसे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हर जगह पोस्टर चिपका दिया दीवारों पर इधर उधर, अब कहाँ मर गई लड़की हो तो लड़ सकती हूँ। एक बार उन्हें बुझण भी ना आई कि भाई क्या है, उनके घर आड़े तो बूझ ले, किसी और के समुदाय के साथ हो जाना ये खड़े हो जाएंगे मोमबत्ती गैंग लेके कि मार दिया ये कर दिया वो कर दिया। इब कोई याद लिकड़ के, कोई आवे लिकड़ के। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये घटना हुई होती तो क्या अब तक आपको लगता है कार्रवाई हो गई होती? उत्तर प्रदेश जी, वहाँ बाबा बैठा, बाबा बोले तो योगी आदित्यनाथ, अगर वहाँ ऐसी घटना होती ना, बाबा तुरंत बुलडोजर भेजो उसके घर के आगे, आरोपी तुरंत ना लिकड़ के आ जाते, फिर बताइयो जी कहीं ना कहीं उनका एनकाउंटर हो गया होता अभी तक। एक बकरे ने लाओगे, 15 दिन खुआवेंगे, लाड़ करेंगे, प्यार करेंगे, पानी पियाओगे, फिर उसने निर्मम हत्या कर देंगे उसकी, ठीक है? इससे बड़ी ट्रेनिंग और किस बात की होगी मेरे भाई। नमस्कार, मैं ऋषभ बोस्ती और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। दिल्ली के साबा डेयरी में हुए एक मामले को लेकर लगातार मीडिया में चर्चा बनी हुई है और लगातार न्यूज़ हिंदी ग्राउंड पर जाकर आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम दिल्ली के नाहरगढ़ इलाके में मौजूद है, जो बजरंग दल का जिला है, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन तमाम लोगों का क्या रिएक्शन है और किस तरीके से इस मामले को लेकर जो नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि साहिल सिर्फ अकेला नहीं था, उसके साथी और भी वहाँ पर मौजूद थे जिस समय ये हत्या को अंजाम दिया जा रहा था, और जिस तरीके से उसकी तस्वीर सामने आई जिसमें वो कलावा पहने दिखता है और साथ ही साथ वो एक रुद्राक्ष की माला भी पहनता है जिसकी इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी मिली हुई है। तो इन लोगों का क्या रिएक्शन है आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले भाई जी एक बार नाम बता दीजिए। संजीव कुमार मेरा नाम है, नजबगढ़ गुरुनगर से मैं रहता हूं, और सबसे पहले सभी साथियों को, सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम। जिस प्रकार संजीव जी बताइएगा कि दिल्ली के अंदर जब आपने पहली बार सुना कि इस तरीके का केस आया जिसमें 16 साल की लड़की को इतनी बेरहमी से मार दिया गया, और वो जब वीडियो आपने देखा तो क्या कहना चाहेंगे, वीडियो देख के क्या आया सबसे पहले? सबसे पहले तो मन में यही आया, जब वीडियो दिखाई दिया तो खून खोल उठा था, मन तो ये कर रहा था अगर सामने हो तो उसको जवाब उसी के तरीके में दिया जाए। और मैं फिर भी अपनी बहनों से, हिंदू बहनों से सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनके जासे से जितना बचा जा सके उतना बचने की कोशिश करो। आपको लग रहा है कि यह अकेला केस नहीं है, ऐसे कई केस और भी दिल्ली में आ चुके हैं, चाहे आफ्ताब वाला केस हो और ये हो, लगातार ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों आपको लग रहा है कि उनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि वो एक बार भी नहीं सोचते इस तरीके की हत्या को अंजाम देते? जी ये लफ्ज़ जिहाद आजकल बहुत कॉमन हो चुका है सर, मतलब ये बताऊँ मैं कि हर दिन लव जिहाद के केसेस आते, ऐसा है कि 90% केसेस मीडिया के सामने ही नहीं आते। लव जिहाद तो हर जगह हो रहा है जी, लेकिन बता रहा हूँ ना, 99% केस है जो मीडिया के सामने नहीं आते, जो उजागर नहीं हो पाते, जो कि पर्दे के पीछे होते हैं। और ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ, ये ऐसी जो लव जिहाद की शिकार बन चुकी हमारी हिंदू बहन बेटी, इनका हजारों की लिस्ट है, हजारों क्या मतलब पूरी लिस्ट है, आप कहोगे तो मैं निकाल के दिखा दूंगा जी। ये अभी जस्ट एक साल बीते हुआ है, श्रद्धा मर्डर केस जिसके 35 टुकड़े करके इधर उधर फेंके गए हुए थे, अगर उस आफ्ताब को अगर तुरंत वहीं की वहीं सज़ा दी गई होती, अगर उसको 1-2 महीने में अगर फांसी की सज़ा दी गई होती ना, तो ये जो आज साहिल खान है, ये मोहम्मद साहिल खान, ये उस बहन के साथ लव जिहाद करने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचता कि उसको ये साथ उसने किया और उसको तुरंत सज़ा मिल गई। लेकिन जब मैं कहूँ ना, यहाँ का सिस्टम इतना बेकार है जी, 1 साल तक तो अभी उसको लाना ले जाना जी, उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया, और जब भाई पता है जुर्म स्वीकार कर लिया तो उसको फांसी दो ना, सजा दो, नहीं दे सकते आप पब्लिक के हवाले सोच दो, हम अपने आप फैसला कर देंगे, ऐसे मतलब कहते हैं कि बजरंग दल बदनाम करते हैं, कहने की बात है जी। कितनी ये जो कहते हैं कि अपना नाम बदल लेते हैं, मतलब गले में रुद्राक्ष माला पहन ली और कलावा पहन के छलावा करते हैं ये हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ, पहले तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये मोमडन है कि हिंदू है, और उनके साथ ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके साथ व्यवहार बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। सर कोई भी हत्या के केस होते हैं और भी हत्या के केस सामने आए हैं तमाम लोग, पर इतना ज़्यादा इनके अंदर डर या खौफ नहीं होता किसी तरह का, किसी भी इंसान जिसके साथ आप 3 साल से रिलेशन में हैं उसको इस तरीके से कोई मार सकता है जिस तरीके की वीडियो में दर्दनाक दिखा, कि इनको रहम नहीं आता किसी तरह का दिल में? पलकों में बिठा लो, दूध घी में नवा लो, लेकिन ये भाई अपना रंग एक दिन दिखाई देगी, ये मतलब इनको बस मौका चाहिए, लव जिहाद में फंसाया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद उसके कुछ न्यूड्स फोटोज ले लिए गए, और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना,
ब्लैकमेल करते हैं कि तू संबंध बना नहीं करेगी तो मैं वायरल कर दूंगा, और मतलब दूसरे अपने केरला स्टोरी में दिखाया था उस तरीके, जो लोग ये केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बता रहे थे ना, उनके मुंह पे सरासर तमाचा है। ये साहिल खान का और ये साक्षी बहन का जो लव जिहाद हुआ है, अभी उसका मर्डर हुआ है, जो कहते हैं प्रोपेगेंडा है, ये हिंदुओं की शादी से ये मतलब फिल्म है, हाँ झूठी फिल्म है, ये झूठी फिल्म है आपकी आंखों के सामने, साकी ये साक्षी और इससे पहले निकिता तोमर और ये इतनी सारी बहन बेटियों के साथ होता है, और ये एक वो हैदराबाद का मौलाना है वो बोलता है ओवैसी वो बोलता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसकी शादी करने का मर्जी, उसमें तुम बीच में क्या करोगे बताओ, इसमें क्या मतलब। लास्ट क्वेश्चन लेके फिर आगे बढ़ता हूँ कि कई लोग ये कहते थे भारत के अंदर जो है वो मुस्लिम खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में, जब भी एक भी किसी हत्या इस तरीके की हो जाती है, पर आज वो लोग चुप हैं और आज आगे नहीं आ रहे हैं, क्यों आखिर? ये कहने की बात है, अगर ये खतरे में होते ना, ये खतरे में होते, ये हर जगह पथराव नहीं करते, ये खतरे में होते ना, इनकी जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही होती, ये खतरे में होते ना, इतने सारे जो दिन प्रतिदिन लव जिहाद हो रहा है ना, ये लव जिहाद नहीं हो रहा होता, ये कैसे कहते हो खतरे में? एक वो करके है कांग्रेस की प्रियंका गांधी, बोलती है अभी थोड़े दिन पहले बोलती थी ऐसे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हर जगह पोस्टर चिपका दिया दीवारों पर इधर उधर, अब कहाँ मर गई लड़की हो तो लड़ सकती हूँ, एक बार उनने बुझण भी ना आई कि भाई क्या है, उनके घर आड़े तो बूझ ले, जब ना आई बोलन, और इतने सारे ये जो मतलब किसी और के समुदाय के साथ हो जाए ना, ये खड़े हो जाएंगे मोमबत्ती गैंग लेके कि मार दिया ये कर दिया वो कर दिया, इब कोई आजा लिकड़ के, कोई आवे लिकड़ के, ये मुस्लिम आरोपी का नाम है बस इसीलिए ही नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आवे जी, इन्हें पता है ये तो कांग्रेस वाले तो स्पेशल इनका ही है, मुस्लिम का ही है पार्टी, ये आवे का दिन निकल के जब इब कोई सा किसी मुस्लिम लड़की से साथ हो जाए, ये सारे रोड पर रगड़ने लग जाएंगे जी, और जितने ये मीडिया वाले हैं ये चूड़ी खनखन कर देगा कि मार दिया है मुसलमान खतरे में, अरे भाई खतरे में कैसे हो तुम, इतनी तादाद जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हो अगर खतरे में कैसे? उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये घटना हुई होती तो क्या अब तक आपको लगता है कार्रवाई हो गई होती? उत्तर प्रदेश जी, वहाँ बाबा बैठा, बाबा बोले तो योगी आदित्यनाथ, अगर वहाँ ऐसी घटना होती ना, बाबा की पुलिस तुरंत कार्रवाई करती और ना जाने कहीं ना कहीं उनका एनकाउंटर हो गया होता अभी तक, बिल्कुल बाबा के बुलडोजर चलता, बुलडोजर, और उनके घर में जो ये इसको ढूंढने गए थे ना कि बुलंदशहर यहाँ छापेमारी वहाँ छापेमारी, बाबा तुरंत बुलडोजर भेजो उसके घर के आगे, आरोपी तुरंत ना लिकड़ के आ जाए तो फिर बताइयो जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनीत गुप्ता है। विनीत गुप्ता जी, ये बताइएगा कि ये जो मर्डर केस जब सामने आया दिल्ली में, कई लोग ये कह रहे हैं सिर्फ हत्या का मामला है, इसमें लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, आपको लगता है कि ये लव जिहाद का केस है? देखो, लव जिहाद का सबसे बड़ा रीजन हमारा क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में नहीं बताते हैं। जब तक हम अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को सनातन धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी। हमारे कितने बच्चे हैं उनको हनुमान चालीसा ही नहीं आती, कितने बंदे हैं उनको गायत्री मंत्र नहीं आता। जब तक हम अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देंगे ना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए हमारा सबसे पहले हमारे पेरेंट्स का, हम बड़े जनों का ये बनता है कि हम अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़ें। जैसे जैसे आप धर्म के साथ जोड़ते चले जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली लव जिहाद या जो भी अदर चीज़ें हैं उनसे आप दूर होते चले जाओगे। तो ये सबसे बड़ा है कि हम अपने फैमिली को, अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़ें। जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, अब पहले आपने कभी देखा कि इतनी ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर पे इतनी भीड़ होती हो, इतने प्रसाद चढ़ाने आते हो? लेकिन जैसे जैसे हम लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के अंदर जागरूकता आती चली जा रही है, हम लोग यहाँ पर एकत्रित होने शुरू हुए, हनुमान चालीसा का जैसे हमने पाठ करा, ये करा, तो अब ये चीज़ें हमें बढ़ानी है, इसको हमें कम नहीं करना। और ये तो देखो ज़िंदगी का एक पार्ट है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। आप बोलो कि सारे मोमडन ऐसे हैं, नहीं, उसमें बहुत से मोमडन अच्छे भी हैं, बहुत से मोमडन ख़राब भी हैं। ऐसी अगर हम बात करें हिंदुओं की, तो हमारे हर देखो हम पूरी बिरादरी को, राम जी की सोच वाले कभी भी आए होंगे इस देश के अंदर, हमेशा चाहे कोई भी हिंदू हो उसने उनको हमेशा सलाम किया होगा, पर अगर कोई कसाब की सोच रखकर चल रहा है तो उसके कार्रवाई होनी चाहिए। यस, अगर कोई गलत है तो उसके लिए, जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपना कर रखा ना कि अगर वहाँ पे किसी ने कुछ कर रखा है तो तुरंत बुलडोजर चढ़ा दो, तो अपराधी अपने आप बाहर निकल के आ जाता है। तो वो चीज़ दिल्ली में भी क्या हर जगह होनी चाहिए, दिल्ली में बुलडोजर चलना चाहिए, 100% चलना चाहिए अगर कोई अपराधी है तो। केजरीवाल कहेंगे, सिफारिश करेंगे? देखो, मैं वोटिंग वाली राजनीति अलग है, लेकिन जो फैक्ट है, जहाँ पे अगर हमें लगता है कि इसने अपराध करा है तो उस अपराध के लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से ये घटना सामने आई, ऐसे नाम बदलते रहते हैं समय समय पर यह घटनाएं रुक नहीं रही हैं, क्या कारण आपको लगता है?
भाई ये घटना तो नहीं रुकेंगे जब तक अपना समाज सक्रिय नहीं होगा ना। अपने समाज में अपने घर से बच्चा सबसे ज़्यादा अपने घर से सीखता है। अगर घर में बच्चे को संस्कार मिलेंगे तो उन संस्कारों के जरिए वो बाहर की बातों को समझेगा। ठीक है, इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस लड़की ने उसे रिजेक्ट किया या इग्नोर किया, उसी के उसमें उसने अपोज किया और उसका उसने मर्डर कर दिया। इनका तो काम है भाई, ये तो करेंगे काम। दरअसल बात क्या है, बात यह है कि इनके उसमें होती है बकरीद। बकरीद का ऐसा त्यौहार है मेरे भाई कि इनके उसमें एक रिवाज चला रहा है कि घर का जो बड़ा बेटा होता है ना वो कुर्बानी देगा, चाहे वो 8 साल का हो 9 साल का हो। 9 साल का बच्चा पूरा बकरा काट देता है इनके इसमें। तो इससे बड़ी ट्रेनिंग होगी मेरे भाई। एक बकरे ने लाओगे, 15 दिन खुआवेंगे, लाड़ करेंगे, प्यार करेंगे, पानी पियाओगे, फिर उसने निर्मम हत्या कर देंगे उसकी। ठीक है, इससे बड़ी ट्रेनिंग और किस बात की होगी मेरे भाई। और पहली बात, एक बात और बोलना चाहूँगा मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ गुलाम भारत से भाई। ये ठीक है भाई, गुलाम भारत से मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे भाई और आज एक विशेष समुदाय के गुलाम हैं। आज का जो समय है हम विशेष समुदाय के गुलाम हैं। हम तो अल्पसंख्यक है, हम तो इस देश में खतरा भी है। हमारे ऊपर लोग जो है कह रहे हैं मॉब लिंचिंग हो जाती है, समय समय पर हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। आप कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक के गुलाम भाई, ये खतरे में भी हैं। ठीक है, और 2% तो 35% भी चले गए। अब मैं बात अपनी पूरी करूँगा, जिस देश से हम आते हैं ना मेरे भाई, यहाँ 79 करोड़ सेकुलर रहते हैं, 1 करोड़ कट्टर हिंदू रहते हैं, 5 करोड़ अन्य समुदाय, सिख समुदाय जैसे जैन समुदाय, और 35 करोड़ कट्टर मुस्लिम रहते हैं। कट्टर मुस्लिम 35 करोड़ एकजुट, एकजुट ना उनमें पठान, कुरेशी, अंसारी, सिया, सुन्नी कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान। ये जुटता हिंदू में नहीं है, है? ये जुटता हिंदू में नहीं है। 79 करोड़ भाई सेकुलर है, यहाँ कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता मेरे भाई। यहाँ सब अपने मतलब से हैं। यहाँ पहले तो जातियों में बांट दिए, जातियों को तो छोड़ो यार, आपस में ही देख लो। कोई ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण ब्राह्मण का विरोध करता है, जाट जाट का विरोध करता है, घर में ही खुश नहीं भाई, आपस में खुश नहीं, अपनी जात में खुश नहीं है, तो हिंदू में कहाँ से कन्वर्ट हो जाएंगे एक जगह से। पूरा हिंदुत्व, हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व मिलके बनता है सारी जातियों से। एक जब जात अपनी जात की नहीं सुनेगी, पूरे हिंदुत्व की कैसे सुन लेगी यार, ये बताओ। बताइएगा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, आपको लगता है कि किसी तरह से उस साक्षी बेटी को बचाया जा सकता था? बचा सकते थे, लेकिन हाथ कांपते हैं, इनके हाथ कांपते हैं। ठीक है, सब लोग आज के टाइम में जितना हिंदू है ना मेरे भाई, सब दूसरे से उम्मीद लगा के बैठा है। साल हो गए, उससे बाद भी अभी तक कोई सीखा नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई है कि जिससे ये चीजें रुक सके और वो ना हो। सबसे बड़ी कमी कश्मीरियों की ये थी, राजशाही ठाट, अपने आप राजशाही ठाट ले लिया है, दुकानें किराए पे दे दी हैं, विशेष समुदाय थे, किराया खा रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े पेट हो गए, वे तो कब्जा करेंगे भाई। ऐसे सेम सिस्टम यहाँ भी हो रहा है, दिल्ली में, जगह जगह पूरे देश में ज्वालामुखी फैल गए हैं। जो एक एक इनके जो इमारत होती है ना, वो ज्वालामुखी से कम नहीं है, और जिस दिन फटेंगी 2047 तक, उस दिन सबको नानी याद आनी है। ठीक है, ये जात बात भुला कर या तो एक हो जाओ ना तो एक कर देंगे तुम्हें एक। ठीक है, क्यों तुमने एक छोटी सी जगह दे देंगे, फिर वहाँ जाके बच जाइयो। लगातार यहाँ के हिंदू समाज के तमाम लोग, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, इनसे बात कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे साक्षी के साथ जिस तरीके की हत्याकांड सामने आया, उसको लेकर के साहिल और उसके साथी अगर जो भी इसमें मिले पाए जाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और एक ऐसा उदाहरण बने कि दिल्ली की जनता, देश की जनता जो है वो जाने और कोई भी इस तरीके का कदम उठाने से पहले 10 बारी सोचे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।